बड़ी खबर, किसान आंदोलन के 14वें दिन को लेकर आपको बता दें, अभी फिलहाल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जारी है। सरकार और किसानों की जो बैठक आज होनी थी वो स्थगित कर दी गई है। आज किसानों को लिखित आश्वासन दिया जा सकता है, सरकार की ओर से किसानों को लिखित प्रस्ताव देगी सरकार। कल अमित शाह ने किसान नेताओं के साथ जो बैठक की थी उसमें कृषि कानून वापस लेने से गृह मंत्री ने कर दिया था इनकार, और उसके बाद किसान संगठनों को लिखित आश्वासन देने की बात जरूर कही गई थी, और आज ही लिखित प्रस्ताव सरकार की ओर से किसानों के लिए आ सकता है। और ऐसे में किसान नेता भी आज महत्वपूर्ण बैठक कर सकते हैं सरकार के लिखित प्रस्ताव पर कि अब आगे क्या रणनीति उनके आंदोलन की रहने वाली है। तो कुल मिलाकर आज का जो दिन है किसान आंदोलन के मद्देनजर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि आज हो सकता है किसानों की आगे की रणनीति का खुलासा हो जाए। किसान एक तरफ कृषि कानून वापसी को लेकर अड़े हुए हैं, सरकार ने कृषि कानून वापसी को लेकर साफ इनकार कर दिया है। हाँ, बीच का रास्ता जरूर निकालने के लिए हामी भर दी गई है, गृह मंत्री ने लिखित प्रस्ताव देने की बात कही है। केंद्र सरकार की अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में किसान आंदोलन को लेकर कृषि कानूनों को लेकर ही मंथन हो रहा है। तो अब देखते हैं कि इस कैबिनेट की मीटिंग के बाद क्या कुछ निकलकर सरकार की तरफ से आता है, क्या लिखित प्रस्ताव आज सरकार किसानों को देगी तो किसानों को वो स्वीकार्य होगा, या फिर किसान इस लिखित प्रस्ताव को नकार देंगे। और सीधे तौर पर किसान जो इससे पहले बता रहे हैं, लिखित प्रस्ताव आने के पहले वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम किसी और शर्त पर राजी ही नहीं होंगे, हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे। तो क्या अब ये दिल्ली बॉर्डर की दहलीज पर खड़ा हुआ आंदोलन अब दिल्ली के अंदर होगा? हालांकि किसानों को तमाम विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है। आज विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात करने के लिए जाएंगे इन कृषि कानूनों को लेकर। राहुल गांधी समेत सीताराम येचुरी, शरद पवार, 5 कुल नेता हैं जो आज राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, लगातार किसानों का जो आंदोलन है वो लगातार और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा है, और इसी के साथ बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, किसान आंदोलन पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। किसानों की मांग के मुताबिक संशोधन होगा, किसानों की जो मांग है उनके मुताबिक कानून में संशोधन किया जाएगा, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। इस वक्त केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों की बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में, और सरकार इस पर मंथन कर रही है। और आपको बता दें, एमएसपी पर लिखित गारंटी दे सकती है सरकार। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल जुड़ चुके हैं। राजा, वाकई इतिहास में दर्ज होने वाला पल होगा अगर सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है वो सही है तो, कि किसानों के मुताबिक ही बदलाव लाए जाएंगे इस बिल के अंदर। जी बिल्कुल, वाकई में नंदनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार मोदी कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जा रही है, और जिस तरीके से जो कयास लगाया जा रहा था कि अमित शाह की मीटिंग के बाद कुछ ना कुछ निर्णायक मोड़ जरूर निकल सकता है, तो ऐसे में जिस तरीके से बातों को लेकर सहमति बनी है, और ऐसे में यदि ये फैसला आता है तो वाकई में काबिल तारीफ होगा। और ऐसे में किसान संगठन, नंदनी मैं आपको बता दूं, आपसे कुछ देर में यहाँ पर मीटिंगें करेंगे, और मीटिंग के बाद जिस तरीके से जो कयास लगाए जा रहे थे क्योंकि आज निर्णायक मोड़ निकल सकता है, वो कहीं ना कहीं आज निकलने का सामने आ सकता है। राजा, कल लिखित प्रस्ताव की बात की गई थी गृह मंत्री द्वारा कि लिखित प्रस्ताव दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की खबर है सीधे तौर पर कानून में ही संशोधन होगा, कानून में ही बदलाव होगा। राजा, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी राजा, जो कृषि कानून बने हैं क्या उनके अंदर संशोधन की बात हो रही है या फिर अलग से कोई और कानून लाने की बात हो रही है? रंजनी, मैं आपको दोगी लगातार संशोधन की बात यहाँ पर सरकार जरूर कर रही है, पर बात करें किसान भी अपनी बात पर रहे हैं, वो साफ तौर पर कानून रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, पर जिस तरीके से लिखित प्रस्ताव की बात सामने है उसको लेकर कहीं ना कहीं सहमति, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के अनुसार कि कुछ जो किसान नेता है वो नाराज है, उनको भी मनाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से अमित शाह की कल मीटिंग हुई थी उसके बाद लगातार जो किसान नेता है वो किसानों से
फीडबैक ले रहे हैं और तक में बने हुए हैं। आप उस दिन में मीटिंग होगी और जो भी किसान नेता है उनको मनाने का यहाँ काम किया जाएगा। और जो जानकारी मिल रही है कि सरकार ने जो 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 प्रस्ताव जो कहीं ना कहीं भेजेगी किसानों, जो किसान चाहेंगे संशोधन के लिए वो सरकार वहाँ पर करने के लिए तैयार है। ऐसे में जानकारी भी ये भी मिल रही है कि आपसे कुछ दिन में जो मीटिंग होगी तमाम जो किसान बड़े नेता है वो मीटिंग करेंगे और उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। जी जी, मतलब ओवरऑल राजा पटेल अगर इसे देखें तो कृषि कानून को लेकर जो किसानों का आंदोलन है कहीं ना कहीं सफल हुआ है माना जाए, और सरकार दबाव में है और इसी वजह से जो किसानों की मांगे हैं उनको माना भी जा रहा है। लेकिन चूंकि किसान कृषि कानून रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर किसान जो सरकार है वो किसानों के सारे जो अहम बिंदु हैं, जो अहम मांगे हैं, वो ही इस कानून के दायरे में ला रही है, तो ऐसे में अगर फिर भी कुछ किसान नेता नाराज है तो क्या इसे राजनीति से प्रेरित ना माना जाए? क्योंकि जो मांगे हैं वो अगर सरकार मानने को तैयार है तो फिर किसान नेताओं को परेशानी क्या है? आपको बता दें किसानों की मांग के मुताबिक संशोधन होगा, सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। एमएसपी पर लिखित गारंटी दे सकती है सरकार, एपीएमसी को लेकर भी गारंटी देगी सरकार, कानून के दायरे में निजी मंडियां लाई जाएंगी। ये सब वो अहम बिंदु हैं जिनको लेकर इतने दिनों से संघर्ष किसानों की ओर से चल रहा है। तो कानून के अंदर अब संशोधन होता है या कोई नया कानून लाती है सरकार या कोई लिखित प्रस्ताव दिया जाता है, ये अब से कुछ ही देर में साफ हो जाएगा, क्योंकि मोदी कैबिनेट की इस वक्त बैठक जारी है। और जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो यही है कि मोदी सरकार किसानों की बात मानकर ये बदलाव लाने को तैयार है।